नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं मेघा सिंह। मशहूर सिंगर लता मंगेशकर का 6 फरवरी को निधन हो गया था। उनके गुजर जाने की खबर से हर कोई दुखी था। पाकिस्तान से भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया जा रहा था, उन्हें लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे। हाल ही में पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने भी उन्हें दुबई में म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस द्वारा खूब पसंद भी किया जा रहा है। एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने लता मंगेशकर का ही गाना कुछ खोकर पाना है गाया, जिस पर सैकड़ों फैंस उनके साथ झूमते नजर दिखाई दिए। साथ ही बैकग्राउंड में लता मंगेशकर की तस्वीर भी नजर आ रही थी। बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई फैंस ने भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की है। दरअसल 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया था। एक यूजर्स ने लिखा कि 16 साल बॉलीवुड में अपना योगदान दिया और इतना बुरा बर्ताव किया गया। दुबई में वह स्वर्गीय लता जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साबित किया कि बॉर्डर जैसी कोई चीज नहीं होती है, उससे नफरत करते रहो और वह प्यार फैलाते रहेंगे। साथ ही दूसरे ट्विटर ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि जब सिंगर ने गाना शुरू किया तो उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। आपको बता दें कि 7 दशक लंबे करियर में लता मंगेशकर ने हमें विभिन्न भाषाओं में हजारों गाने दिए हैं। भारत सरकार ने उन्हें 1983 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा था और 2021 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। और अब सरहदों पार से भी, जो पाकिस्तानी मुल्क है, वहां से भी उनके लिए प्यार देखा गया है और उनके जो निधन है उस पर श्रद्धांजलि देते हुए कई कलाकारों ने अपनी दुख व्यतीत किया है। तो यह बात साबित करती है कि चाहे हमारे और पड़ोसी मुल्क के बीच में कितने भी मुश्किलें हो, तकलीफों हो, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें एक साथ लाकर जोड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। धन्यवाद।